So inserting, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही स्मूथ चलता है ना, इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, यहाँ से देखें, इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। देखो हमने क्या बताया कि जैसे ए है यहाँ पे, इसके बीच में एच वन एच टू एच थ्री ऐसे करके एच एन, ठीक है भी, अगर ये एच पी में है ना, इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो टी पी में ही होगा, वन बाई ए वन बाई एच वन वन बाई एच टू वन बाई एच थ्री है ना, वन अपॉन एच ए वन अपॉन बी, ये किस में होगा, ए पी में होगा। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें एन प्लस टू है, तो हमने ये बताया कि जो एन प्लस टू है जो टर्म है वो क्या है, वन बाई बी लास्ट टर्म, फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन, तो वट इज द ए फर्स्ट टर्म फॉर ए पी, वन बाई ए, वन बाई ए प्लस एन मतलब एन माइनस वन इंटू डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये वन बाई ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन बी, यहाँ से आ गया एन प्लस वन इंटू डी इक्वल टू वन बाई बी माइनस वन अपॉन ए, एंड दिस विल बिकम ए माइनस बी बाई ए बी, है ना, तो कॉमन डिफरेंस जो है ए माइनस बी बाय ए बी इंटू एन प्लस वन आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, हाँ या ना, जल्दी बताओ क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना पहले भी हमने किया था, है ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक है, अब देखो ये डी की वैल्यू आ गई, अब जो होगा एच वन की जो वैल्यू होगी वन बाई एच वन, वन बाई एच वन जो होगा ये सेकेंड टर्म है एपी का, ये क्या है एपी का सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म क्या आता है वन बाई ए कॉमन डिफरेंस डी, वन बाई ए प्लस डी की वैल्यू ए माइनस बी बाई ए बी इंटू एन प्लस वन, जब आप सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लोगे ए बी इंटू एन प्लस वन, तो ये आ जाएगा बी इंटू एन प्लस वन प्लस ए माइनस बी, सिंपल, सो वन बाई एच वन इक्वल बी एन प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाय ए बी इंटू एन प्लस वन, बी भी खत्म, यहाँ से आप चाहिए तो ए प्लस बी एन बाय ए बी इंटू एन प्लस वन। व्हाट वी कैन डू हियर इज वन बाई एच वन की वैल्यू ये है, तो एच वन की वैल्यू कितनी होगी भाई जल्दी बताना, उल्टा कर लो, तो ए बी इंटू एन प्लस वन बाय ए प्लस एन बी, ये एच वन हो गया। सिमिलरली कैन वी नॉट फाइंड आउट एच टू, वन बाई एच टू बराबर क्या होगा ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, तो फर्स्ट टर्म क्या था वन बाई ए टू डी कॉमन डिफरेंस, वन बाई ए प्लस डी कॉमन डिफरेंस क्या है सर, कॉमन डिफरेंस क्या है, आज देखते हैं, कॉमन डिफरेंस था हमारे पास यस दिस वन बी माइनस ए बाई ए बी माइनस ए बी माइनस, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी इंटू एन प्लस वन ये आ जाएगा बी टाइम्स ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बी माइनस टू ए, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू आर गेटिंग वन बाई एच टू इक्वल टू बी एन प्लस बी प्लस टू बी माइनस, अब जरा ध्यान देना, देखो टू बी कितना हुआ थ्री बी हो गया है ना, वन बाई एच टू की जो वैल्यू है कुछ गलत तो नहीं है, टू बी माइनस टू सही है ना, हाँ टू बी ओके, तो यस, तो ये देखो ये बन गया हमारा ए बी इंटू एन प्लस वन, और ये बन गया कितना, तो देख लेते हैं वन बाई ए प्लस टू डी, वन बाई ए डी की वैल्यू बी माइनस ए बाई ए बी इंटू एन प्लस वन, आप लोगों को समझ में आ रहा है या सिर्फ मैं ही समझ रहा हूं जल्दी बताना एक बार, आप लोग सुन रहे हो सर ओके, हाँ यस सर नहीं तो पता चले घर पे हो तो नींद नहीं आनी चाहिए है ना, यू शुड फील लाइक यू शुड लाइक ऑफलाइन क्लास चल रहा है जैसे, वैसे ही होनी चाहिए है ना, तो ये ध्यान में रहे सारी चीजें, हमने बस इसको मल्टीप्लाई किया बी इंटू एन बी एन प्लस बी प्लस टू बी माइनस टू ए, तो बी प्लस टू बी थ्री बी आ गया,
ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/a + 2d, तो 2 into b। हमने यहाँ पे थोड़ी गलती की है क्या, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, a - b आनी चाहिए ना, a - b, हमने b - c क्यों लिखा यहाँ पे, सॉरी इट इज b, a - b ही है ना, a - b है वही लेवल थी, यहाँ पे a - b होगा, मतलब यहाँ पे माइनस a जी, यहाँ पे a - b है ना, सो दिस इज a - b। ओके अब 2 times of a - b, ठीक है, तो ये बन गया माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, +2a - 2b, राइट 2b, सही है। अब देखो bn + b - 2b + 2a, तो ठीक है ये माइनस हो जाएगा -2b। अब देखो bn - b, राइट b - 2b - b प्लस 2 times of a बाय ab (n+1), am I right? तो अब जो है आप यहाँ पे b को कॉमन ले सकते हो, तो 1/h2। अब जरा ध्यान देना, अब यही चीज ऑफलाइन में बताता बहुत ही आसान रहता है, अभी भी आसान है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की बात है यहाँ पे, b आप कॉमन ले दो तो b (n-1) + 2a / ab (n+1), जल्दी बताओ 1/h2 की वैल्यू अगर ये है तो h2 की वैल्यू कितनी होगी, ab (n+1) / (n-1) इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, h2 = हो जाएगा ab (n+1) / 2a + n-1) (b). अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, अब पैटर्न इस यहाँ पे सम प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बस nth हार्मोनिक का फॉर्मूला एक हम मैं डेवलप करने वाला, मतलब हम लोग सीखने वाले हैं। h2 है तो ab (n+1) तो सब सेम है, देखो h2 में ab (n+1), h1 में भी अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हो h1 में भी क्या है ab(n+1) है, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या है a + nb है, डिनोमिनेटर भी है a + nb, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है n-0 है ना, n-0 है। अब देखो h2 में न्यूमरेटर में तो सब वही है ab(n+1), डिनोमिनेटर में h2 है, h1 में क्या था 1 था a था, यहाँ पे h2 है तो 2, और वहां पे क्या था h1 में n-0 था, मतलब n ये सेकेंड है तो फर्स्ट है ना। अब देखो जरा सिमिलरली कैन वी नॉट फाइंड आउट सिमिलरली h3 = क्या आएगा फिर बताओ, ab (n+1) / 3, sir no, यहाँ 2 था तो 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 है, ये 3 है तो 3 है, और एक कम n-2 * b होगी। इज दिस क्लियर, समझ में आ रही है क्या सारे बच्चों को? वैसे ही h4 अगर निकालना है तो दिस विल बिकम ab (n+1) / 4a + n-3 * b। यस इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है तो बताओ, हाँ नहीं आ रहा है तो भी बोलो नहीं सर नहीं आ रहा, दम माहौल पूरी शांत है कुछ शोर नहीं है, जल्दी बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस सर नो, आ रहा है सर, आ रहा है ना, युवराज युवराज मैं बोल रहा हूँ सॉरी, आ रही समझ में आ रहा है, हर्ष इशिता निष्ठा सबसे पूछ लेता हूँ, प्रियांशु प्रज्योति श्रावणी समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो आप प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि सर नहीं आ रहा है समझ में, ये स्टेप डिस्कस कीजिए या फिर से जल्दी बताओ, क्लियर है क्या? देखो हमने क्या किया कि बस h1 h2 निकाला है, फिर उसके बेसिस पे जनरलाइज किया और कुछ करना नहीं है, वैसे ही अगर अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हमको h6 निकालना है, H5 फिर बता देते, H5 कितना आएगा ab (n+1) / 5a + n-4 * b। देखो न्यूमरेटर से मैं डिनोमिनेटर में थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, अगर H मान लो किसने बोला 9 निकालना है तो ab (n-8) / b। क्या समझ में आ रहा है क्या सबको,
वैसे ही अगर किसी ने बोल दिया कि भैया एच एन मुझे चाहिए एन हार्मोनिक मीन, तो फॉर्मूला गोज लाइक दिस, ए बी इंटू एन प्लस वन बाई एन टाइम्स ऑफ एन में से एक कम घटाओगे तो यही होगा ना एन माइनस वन, तो एन एन तो खत्म, यानी एच एन जो हो जाएगा बाई एन ए प्लस बी, ये एन हार्मोनिक मीन हो गया। आई बात क्या समझ में बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब बताओ, बहुत सिंपल है, कभी कभी हम चीजों को बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझना चालू कर देते हैं, क्या ये समझ में आया, हाँ या ना? जस्ट लेट मी, कैमरा थोड़ा बंद करता हूँ ताकि स्क्रीन में पूरा फोकस करता हूँ, समझ में आ रहा है क्या ये पहले बताइए। यस सर। ओके बिल्कुल, बस यही तो था इसमें तो, लाइक एपी जीपी में क्या था, एक चीज था कि चलो भाई सम था, सम ऑफ एन अरिथमेटिक में, जीपी में क्या था प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, इसमें बस जनरल फॉर्मूला लिखना है एन हार्मोनिक मीन। समझ में आया तो इसको लिख लीजिए, और फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप जल्दी फास्ट, ठीक है। तो एक थ्योरम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिखिए थ्योरम, थ्योरम इफ A, A मतलब अरिथमेटिक में G and H, if A, G and H are harmonic mean, geometric mean, harmonic mean, if A, G and H are arithmetic mean, मतलब A जो arithmetic mean है, G geometric mean है, H जो harmonic mean है, of two positive numbers, of two positive numbers x and y respectively, x and y respectively, then first g square equal to ah, g square equal to ah, and second a is greater than g is greater than h, if a g and h, मतलब a फॉर अरिथमेटिक में, g फॉर ज्योमेट्रिक में, h फॉर हार्मोनिक में, अगर x एंड y का अरिथमेटिक में a है, x एंड y का ज्योमेट्रिक में g है, और x एंड y का हार्मोनिक में h है, तो पहला रिलेशन g स्क्वायर इक्वल टू h, और दूसरा a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h। तो इसका प्रूफ कैसे देते हैं, तो आइए मैं समझा देता हूँ, लिखना अभी नहीं है पहले समझ लो, इस पर IIT ने बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और पूछते हैं वे लोग हर साल, है ना। तो a अगर अरिथमेटिक मीन है तो कैन ए राइट a इक्वल टू x प्लस y बाई टू, हाँ या ना ये पहले बताओ, और g अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो क्या रूट एक्स वाई होगा, और h अगर हार्मोनिक मीन है तो टू एक्स वाई बाई x प्लस y होगा क्या, हाँ या ना ये पहले बताओ। यस सर। यस सर। अब पहला जो है g स्क्वायर इक्वल टू h हमको प्रूव करना है, तो RHS में क्या है ah, a की वैल्यू रख देते हैं x प्लस y बाई टू, और h की वैल्यू हो गई 2xy by x plus y, देखो x plus y खत्म, 2 खत्म, xy आ गया, और xy क्या है ये g square हो गया ना, root xy equal to g, तो xy equal to g square equal to LHS हो गया ना, है ना, g square equal to ah, RHS equal to LHS root हो गया ना, है कि नहीं? Yes? Yes sir. फर्स्ट प्रूफ हो गया, ये पहला समझ में आया क्या, ए जी एच में रिलेशन कहां से आया है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होता है, कैसे आता है, तो ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू, जी इक्वल टू रूट एक्स वाई, एच इक्वल टू टू एक्स वाई बाई एक्स प्लस, हमने आर एच एस में ए और एच की वैल्यू आया रखा जो कि एक्स वाई आया, पर मुझे दिख रहा है कि अच्छा अच्छा ये रूट एक्स वाई है, तो एक्स वाई को रूट एक्स वाई इंटू रूट एक्स वाई लिख सकते हैं, मतलब जी इंटू जी इसी जी स्क्वायर, और जी स्क्वायर इज नथिंग बट इन एलएचएस, सो वी हैव प्रूव्ड ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है क्या ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है, सारे स्टूडेंट बताइए यस सर नो, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। ओके, अब आते हैं सेकेंड वाला, सेकेंड प्रूफ, एम जो होता है एच एम से। सेकेंड, पहले हम a माइनस जी की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, हम क्या करेंगे, a की वैल्यू x प्लस वाई बाई टू,
ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई बाई टू और जी की वैल्यू क्या है रूट एक्स वाई। ठीक है, तो अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये देखो एक्स प्लस वाई माइनस टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स वाई बाई टू। अब आपको समझ में आ रहा है, ये देखो x को क्या मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स का होल स्क्वायर, y को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट वाई का होल स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स इंटू वाई बाई टू, है ना। तो a माइनस जी को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर, हाँ या ना, रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर वाई। अब बताइए जरा ध्यान देना, रूट एक्स माइनस वाई कितना भी इसका दिन खराब है मान लो तो ये कम से कम जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। तो कैन वी नॉट से कि जो ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, हाँ या ना, इसकी वैल्यू कम से कम जीरो या तो जीरो से बड़ा। यस सर, नो, ऑल ऑफ यू आर एग्री, सहमत हैं क्या आप सभी मेरी बातों से, बोलो। अगर नहीं है, नहीं समझ में आया तो बोलो सर नहीं समझ में आया, जल्दी। यस सर, मतलब न्यूमरेटर मिनिमम जीरो हो गया फिर जीरो से ज्यादा नहीं। हाँ, न्यूमरेटर जीरो हो गया तो जीरो बाई टू जीरो, कहने का मतलब क्या है अगर एक्स वाई इक्वल आ गया तब तो ये जीरो हो सकता है ना, अदरवाइज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। अच्छा, हाँ, तो कम से कम ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ही, है ना। तो a माइनस जी, अब देखो जरा a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, हाँ या ना, इनइक्वालिटी नंबर वन मान लिया। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आया क्या, पहली बात ये बताओ डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, पूरा इतना जितना मैंने बताया इतना क्लियर है क्या, बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया क्या इतना जितना मैंने बताया है, बोलो। नहीं समझ में आया नहीं तो मैं एक ही करके पूछता हूँ। चलो निशा, आपको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। इशिता क्लियर है? यस सर। ओके, हर्ष क्लियर है? यस सर। ओके, श्रावणी क्लियर है? प्रियांशु क्लियर है? यस सर। आर्य क्लियर है? प्रज्योति क्लियर है? यस सर। गुड, अब आते हैं दूसरा पार्ट, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जी तो है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद देखो, आपको अब फर्स्ट वाला रिलेशन तो प्रूफ कर ही दिया ना अपन ने, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, है ना, फर्स्ट वाला ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। तो जी स्क्वायर को मैं जी इंटू जी लिख सकता हूँ, ए इंटू एच, तो क्या मैं जी बाई एच इक्वल टू ए बाई जी लिख सकता हूँ, इसी को ए इधर और जी उधर। और ध्यान दीजिएगा, जी बाई एच ए बाई जी के इक्वल है, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज प्रूफ कर रखा है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, A is greater than or equal to G, यानी अब जरा आप लोग ध्यान देना कि A माइनस जी, तो हमने ये भी यहाँ पे और एक चीज अज्यूम किया था ना, ये देखो A माइनस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू G, और G से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो A बाई जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा क्या, ये नहीं समझ में आया, बच्चे कंफ्यूज हो गए। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, टेंशन ना लो, जब तक मैं हूं तब तक टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये देखो मैंने क्या समझाया, यही तो समझाया ना कि ये तो ठीक है, चलो इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, यहाँ पे ठीक है। अब देखो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तो g आया, अब बताओ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g तो आ गया, और मैंने दोनों तरफ से g से डिवाइड किया, ये कट कर g बाई g वन आ जाएगा क्या, बोलो
हाँ बोलो, हाँ सर आ जाएगा, आ जाएगा, बहुत ही। अब ए भाई जी, अब इसको हम थोड़ा ध्यान में ऐसे रखते हैं। अब जो है हमको ये पता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होता है, कैसे पता, ऊपर में देखो यहाँ पे हमने प्रूफ किया। अब जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होता है तो जी स्क्वायर को तुम जी इंटू जी लिख सकते हो, ए इंटू एच लिख सकते हो, और ये जी बाई एच आ जाएगा और ए बाई जी। और क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कि ए बाई जी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, और ये आपस में दोनों इक्वल है, जी बाई एच और ए बाई जी जो है दोनों क्या है आपस में इक्वल है, एंड बिकॉज ए बाई जी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, देयरफॉर क्या जी बाई एच ग्रेटर देन इक्वल टू वन नहीं होनी चाहिए, ये भी हो क्योंकि आपस में दोनों इक्वल है, ए बाई जी ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो जी बाई एच ग्रेटर और इक्वल देन वन कैसे आया, मतलब वही तो मैं यहाँ पे बता रहा था। देखो ये चीज समझ में आया निष्ठा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ये समझ में आया क्या, A is greater than or equal to G, ये चीज समझ में आया। हेलो एक बार मतलब सेकंड लास्ट स्टेप बताएंगे क्या उसका? मैंने ये बताया, आप लोग तुरंत बताइए है ना, आप बाद में बताते हो, जब नहीं समझ में जस्ट आप बीच में आप मुझे इंटरप्ट कर दो है ना। ये देखो ये सिंपल a माइनस g हमने निकाला, x प्लस y बाई टू माइनस रूट एक्स वाई, ए की वैल्यू रखी, जी की वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर ये देखा तो ये पूरा जो ऊपर का एक्सप्रेशन है रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब ए माइनस जी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आया। मैंने फिर समझाया ये स्क्वायर किसी भी नंबर का वो तो पॉजिटिव ही होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना, कम से कम कितना होगा, जीरो होगा। जब रूट एक्स और रूट वाई अगर जीरो हो गया तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, तो कितना भी दिन खराब है इसका, इसका वैल्यू जीरो होगा कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव की वैल्यू आ नहीं सकती इसकी क्योंकि स्क्वायर है। तो यहां से हमने बोल दिया कि a माइनस जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो a शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इतना समझ में आया क्या, ये बताओ? यस सर। हाँ अब देखिए, आपने a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g आया तो हमने क्या सोचा, दोनों तरफ से g डिवाइड कर दिया, या ऐसे समझे कि g इधर आ गया तो दोनों तरफ से g डिवाइड किया तो a बाई जी इज ग्रेटर देन g बाई जी, ऐसे ये दोनों तरफ से डिवाइड करोगे तो ऐसे ही होगा ना, दोनों तरफ से g तो ये तो वन आ गया तो a बाई जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, है ना, समझ में आई बात ये, a बाई जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ये चीज समझ में आई, बोलो? निष्ठा समझ में आया क्या, a by g is greater than or equal to 1? बाकी बच्चों को समझ में आया क्या? ठीक है, अब a by g is greater than or equal to 1 है तो g square equal to h हमने फर्स्ट पार्ट में पूछ लिया, तो g square को हमने g into g लिख दिया equal to a into h, तो h इधर गया g इधर गया, g by h equal to a by g। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि a by g greater than or equal to 1 होता है, ये जो है a by g जो होता है greater than or equal to 1 होता है और ये दोनों इक्वल है, तो क्या can we not say that g by h should also be greater than or equal to 1? हाँ, ये दोनों इक्वल है तो a by g दोनों इक्वल है का मतलब क्या, दोनों एक जैसे होगा, a by g 1 से बड़ा है तो g by h भी 1 से बड़ा होगा, सिंपल। अब g by h 1 से बड़ा हो गया इसका मतलब हम यही तो बोल सकते हैं कि g is greater than or equal to h, इनइक्वालिटी नंबर टू। अब जरा सोचो, a is greater than equal to g, g is greater than or equal to h, from first and second inequality, first and second मुझे क्या मिल गया कि a is greater than equal, a is greater than or equal to g, a is greater than or equal to h, a is greater than or equal to g, a is greater than or equal to h, ये जो प्रूफ करता है, this is very powerful tool, इसको बोलते हैं मास्टर की, मास्टर की मतलब क्या, 100 तालों का एक चाबी, है ना। तो ये आईआईटी हर बार इसके क्वेश्चन पूछता है। अब ये चीज आ रही, पता चल गया ना, अब आपके जो क्वेश्चंस का था, अब इस मेथड से देखो कितना सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम,
और अगर सारे एक्स वाई सेम होता है तो ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम आ जाता है। अगर एक्स वाई सेम आ गया तो ए एम इज इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम, अदरवाइज ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। समझ में आया क्या ये बताओ पहले? यस सर। ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं अपने सुंदर अक्षरों में, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, कुछ डाउट्स होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं, पहले लिख लो आप लोग इसको। ठीक है, इसके लिख लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज मेक अ नोट। तो अब नाउ वी नो कि ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। अब उसी क्वेश्चंस को मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। पहले उसके लिए एक्चुअली जनरल कोई भी वो फॉर्मूला के लिए वो डेवलप हो जाएगा। देखो जैसे अगर ए बी सी अगर वो एच पी में है, ए बी सी किस में है, अगर एच पी में है तो आपको पता है कि जो बी है वो एच एम है, ए और सी का, है ना। ठीक है, बी जो है बी इज द एच एम ऑफ ए एंड सी।
ठीक है. ऑल्सो जी इज द जीएम ऑफ, ऐसे मैं बोलूं अगर जीएम ऑफ ए एंड सी क्या हो जाएगा, रूट ए सी है ना, इतना होगा क्या ये बताओ. अगर ए बी सी एच पी में है तो बी को तो अपन एच एम ही बोलेंगे, और अगर ए बी सी अगर ए और सी के लिए जीएम क्या होगा, रूट ए सी होगा. ये फॉर्मूला हमने देखा था ए जी और बी में, तो जी इक्वल टू रूट ए बी होता था, हाँ या ना, ये बताओ. बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या, ये जल्दी बताइए. और क्वेश्चन में इधर दिया कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हमको कंसीडर करना है कि अगर ए बी सी कोई भी पॉजिटिव नंबर्स है और ये एच पी में है, तो एक तो बी तो एच एम तो होगा ही होगा ए और सी का. अगर मुझे ए और सी का जीएम निकालना होगा तो क्या रूट ए सी होगा क्या, ये मैं बोल रहा हूँ, है ना, जी इक्वल टू रूट ए बी होता था. अच्छा, अब ये चीज हमने पढ़ लिया है, अभी अभी चीज एक पढ़ा है कि ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच, यानी जीएम जो होता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम होगा. तो जीएम की वैल्यू रूट ए सी है और एच एम की वैल्यू बी है. तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आपने किया है ना, तो ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी, हाँ या ना, आ रही है बात क्या समझ में सबको. अच्छा, अब देखो अगर ये इन जनरल एबीसी के लिए हो गया, अगर मैंने इसी चीज को अगर बोला यहां पे कि दूसरा नंबर्स ले रहा हूं ऑल्सो फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ऑल्सो फॉर एनी पॉजिटिव नंबर्स, मान लो ए रेज टू एन और सी रेज टू एन के लिए ले लिया, तो इसके लिए जीएम कितना होगा सर, अंडर रूट ए टू दी पावर एन इंटू सी टू दी पावर एन होगा. बोलिए जीएम जो होगा अंडर रूट ए टू दी पावर एन सी टू दी पावर एन होगा क्या, और एरिथमेटिक मीन कितना होगा साहब, ए टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन बाय टू होगा क्या, बोलो. यस सर. अब जब ये भी हमको पता है कि ए एम ग्रेटर देन जी एम होता है, हमको पता है ना ए एम ग्रेटर देन जी एम होता है, यानी ए टू दी पावर एन सी टू दी पावर एन बाई टू वो ग्रेटर देन होगा अंडर ए टू दी पावर एन सी टू दी पावर एन, ए इज ग्रेटर देन जी है ना, और जो है ये जी जो है ग्रेटर देन एच होगा, बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी है. तो क्या ये ग्रेटर देन बी जी, तो ये बड़ा होगा ही है ना, ये एच एम अगर निकालना हो हार्मोनिक में तो क्या वो बी टू द पावर एन होगा क्या, ये ए टू द पावर एन के लिए निकाल दिया, तो कैन वी राइट लाइक दिस. अब जब इतना हो गया तो बड़ा इजी हो गया भाई, ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन बाई टू इज ग्रेटर देन बी टू द पावर एन. कैन वी नॉट राइट ए टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन इज ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ बी टू द पावर एन, और एन की वैल्यू कुछ भी रखो किसी के लिए भी ट्रू है. एन की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने टू रखा है तो टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू बी स्क्वायर थ्री रखो वो भी सही है, तो वैलिड है. यानी ऑप्शंस के थ्रू उस क्वेश्चन में जो आर्य ने पूछा था वो वहां पे टू रख दिया, तो ए का पावर किसी भी एन के लिए वैलिड है, तो ए का पावर टू प्लस सी का पावर टू शुड बी ग्रेटर देन टू बी टू. द एक्चुअल मेथड ये है, दिस इज द प्रॉपर मेथड, एंड उस समय भी मैं यही बता रहा था, बट अभी आप लोग को काफी रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये चीज हमको इसका प्रूफ नहीं पता था. वी आर नॉट नोइंग ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच, और इस तरीके से इसका आंसर जो था वो सी था जो एक्सिट के बुक्स में था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर.
आई बात क्या समझ में, ये पहले बताओ। बोलो सुपर, इधर एम होगा ए प्लस सी बाय टू। हाँ, लेकिन हमने नंबर्स किसके लिए, ए टू द पावर एन और सी टू द पावर एन के लिए लिया है प्रियांशु, नंबर ही वैसा लिया है ए टू द पावर एन। हमें इस केस में निकालना है ना। हाँ, तो इन जनरल एक केस हमने निकाला है दोस्त, ये इस केस में निकालना है, लेकिन वहां पे एबीसी अगर, ये कब वैलिड होगा, ये कब होगा जब एबीसी एचपी में होगा तो ही हम वो यूज कर सकते हैं ना, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। ये वैलिड कब होगा, जब एबीसी एचपी में होगा तो ही, अदरवाइज ये वैलिड होगा ही नहीं। हाँ, है ना, ये यहाँ में हम लोग इसका सपोर्ट ले रहे हैं ना, बी ए स्क्वायर इज लेस देन एसी, तो ये बिना जाने हम ये लिख ही नहीं सकते हैं ना, समझ में आ रही है क्या बात। ये फिर अपन, ये कब वैलिड है, जब ए बी सी एच पी में होगा तो ही, और फिर हम ए टू दी पावर एन, बी टू दी पावर एन और सी टू दी पावर एन के लिए हमने निकाल दिया, और एक जनरल फॉर्मूला बन गया, ये कहीं भी वैलिड है, ए टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ बी टू दी पावर एन। बोलिए समझ में आया क्या? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ प्रियांशु बोलो। सर पर मतलब आप इस मतलब जनरल टर्म, मतलब जनरल वे के अलावा नॉर्मल इस क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हो क्या? अरे मेरे भाई वही चीज हो गया, आप समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ वो टू ए कैसे दिया, ऑप्शन में थ्री भी दे सकता था, ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात। वो एन की जगह ए टू दी पावर एन है, सी टू दी पावर, वो हो सकता था कि अगर टू थ्री फोर भी हो सकता था, तो हमने एन की वैल्यू यहाँ पे टू रख दिया, अगर वो ऑप्शंस में कुछ चेंज भी कर सकता है, बट ये तो हमेशा यूनिवर्सल है, कहीं भी आपको ये याद भी रखा तो भी काफी है, ए टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर, अगर ए बी सी एच पी में है तो ये वैलिड है, ए टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन इज ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ बी टू दी पावर एन, अगर ये याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ से ही चालू कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट यहाँ से आया है ना, कि वो अलग से कुछ आया है, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? हाँ सर। यहाँ पे तुम n के जगह तुम ए स्क्वायर रख लो, सी स्क्वायर रख लो, तो भी क्या होगा, फिर वही आएगा, तो भी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या प्रियांशु? प्रियांशु जी समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ। बाकी स्टूडेंट्स को बताओ, कुछ डाउट्स है तो इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो बताइए। आर्य का डाउट था, आर्य क्लियर है? ओके निष्ठा क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? इशिका क्लियर है? यस सर। प्रज्योति क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके हर्ष, क्लियर है? श्रावणी क्लियर है क्या? Excuse me सर। हाँ यस श्रावणी, नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ सर, वो एबीसी एचपी में है तो वो सेम टर्म्स जीपी में कैसे होंगे? नहीं 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 नहीं, बट हम कंसीडर कर रहे हैं कि ए और सी के लिए सेम टर्म्स जीपी में नहीं है। व्हाट आई एम कंसीडरिंग, यहाँ पे क्वेश्चंस में एबीसी एचपी में दिया है, अगर मुझे हमने प्रूफ भी तो वही किया ना, आप देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, एक मिनट में इसको ये करता हूँ, बट ये वाइट ये आ गया, इसको मुझे कट कर देना पड़ेगा फिर वो हट जाएगा। अभी जस्ट इसके पहले जो हमने जो प्रूफ किया वो तो ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम, सब किसी के लिए तो एक्स वाई लिया था, एक्स ए जी वाई था, फिर एक्स जी वाई था, फिर एक्स एच वाई था, तो दो टर्म्स के बीच में एक्स वाई के लिए अरिथमेटिक मीन था एक्स प्लस वाई बाई टू, है ना, ज्योमेट्रिक मीन क्या था रूट एक्स वाई था, हार्मोनिक बिन क्या था टू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे ए बी सी एच पी में दिया है तो ए और सी के लिए तो हम निकाल ही सकते हैं ना, जैसे बी जो है हार्मोनिक मीन है, फिर ए सी के लिए ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, फिर हार्मोनिक मीन हो जाएगा, है कि नहीं, तो हम दो टर्म्स के लिए हम अलग अलग निकाल ही सकते हैं ना, हमने प्रूफ भी तो वही किया था, ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच, एक्स वाई के बीच में इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तो तीनों में क्या रिलेशन रहेगा, अगर किसी दो नंबर्स का
अगर अरिथमेटिक में निकालते हो, ज्योमेट्रिक में निकालते हो, हार्मोनिक में निकालते हो, उसमें अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, विल बी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। वही तो चीज हमने यहाँ पे किया है सर, मुझे लगा कि वो एबीसी जो एचपी में है उसी का ए और सी हमने वो जीपी का मीन किया, मतलब नहीं, अगर ए और सी है तो उसी ने तो हमने बी नहीं लिखा ना, कहीं लिखा है कि बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सी, लिखा है नहीं लिखा? ओके सर, समझा भी नहीं, वो ही डाउट था बस, बाकी सब समझा। ओके, और किसी को कुछ डाउट्स है? और किसी को कुछ डाउट है क्या, ये बताओ भाई। ठीक है, इस पे लिख लीजिए आप लोग। सो ध्यान से देखना, स्टॉप राइटिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन इज, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स देयर जीएम बाय 2 एंड देयर एचएम बाय 18 बाय 5। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो अरिथमेटिक मीन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, द एम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स देयर जीएम बाय 2, मतलब जियोमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा हो गया। यानी यहां से मैं ये बोल सकता हूँ जी इक्वल टू ए माइनस 2 आ गया। एक इक्वेशन आ गया हमारे पास ये। ठीक है, आई बात समझ में इतना? अब दूसरा है, the arithmetic mean of two numbers exceeds their gm by 2 and their hm by 18 by 5। अच्छा, यानी जो arithmetic mean है वो harmonic mean से 18 by 5 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से harmonic mean को मैं लिख सकता हूँ a minus 18 by 5, h equal to 18 by a minus 18 by 5। सही है, this is the second equation। समझ में आ रहा है क्या सबको इतना? जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे ही मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, पढ़ा क्या? यस, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन पढ़ा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, पढ़ा क्या? सबको याद आ रहा है? अभी जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले, ए एम जी एम एच एम में रिलेशन होता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए माइनस टू, तो एक वेरिएबल में कर देंगे ताकि किसी की वैल्यू हम निकाल सकते। ए ए को ऐसे रखेंगे, एच को ए माइनस 18/5 कर देंगे। आई बात क्या सबको समझ में? इसको आप देखो, ए की वैल्यू तो बड़ी आसानी से आप यहां से निकाल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 18 ए बाई 5। ठीक है सर, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ए स्क्वायर खत्म। ठीक है, यहाँ पे 18 बाई 5 ए है, ध्यान से देख लेना एक बार। इसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जब सॉल्व करोगे तो 18 बाई 18 ए बाई 5 इक्वल टू 18 ए बाई 5 माइनस 4 ए है यहाँ पे, माइनस 4 ए इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई करोगे 5 हो जाए 20, 18 माइनस 20 माइनस 2 ए इक्वल टू माइनस 20, तो ए बराबर 10 आ गया। बड़े ध्यान से समझना है, ए 10 आ गया तो जी तो निकाल ही लोगे, जी कितना था भाई, ए माइनस 2, तो 10 माइनस 2 मतलब जी कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व, दो इक्वेशन दो अननोन है ना, एक्स वाई हमको निकालना है ना, तो ए इक्वल टू, प्रियांशु समझ में आ रहा है क्या सारे स्टूडेंट्स? हाँ सर। ए की वैल्यू, ओके, ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 10 अरिथमेटिक में, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 20 आ गया। अच्छा, और जी इक्वल टू 8 है, तो जी इक्वल टू रूट एक्स वाई इक्वल टू 8, तो एक्स वाई इक्वल टू
64 आ गया। दो इक्वेशन दो अननोन नहीं निकाल सकते एक्स वाई की वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकते हो है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू यहां से निकाल लो, वाई की वैल्यू 20 माइनस एक्स, यहाँ पे वाई की वैल्यू 20 माइनस एक्स रख लिया इक्वल टू 64। सिंप्लीफाई करोगे 20x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 64 है ना। बस इक्वालिटी की इक्वेशन है तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा जब फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 16 इंटू x माइनस 4 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू 16 और x की वैल्यू 4। अब जब कोई भी रखो इफ x इक्वल टू 16 तो y कितना आएगा भाई, x प्लस y 20 है तो y इक्वल टू 20 माइनस 16 4 आ गया। और इन केस अगर x की वैल्यू 4 रखते हो तो y 16 आ गया। आंसर क्या रहेगा 4,16। बस समझा क्या ये पहले बताओ। कोई दिक्कत है क्या समझने में? डिड एवरीबॉडी गेट इट? जल्दी बताओ भाई समझ में आया क्या सबको? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है लिख लीजिए। श्रावणी समझा क्या आपको? हाँ सर। ओके प्रज्योति अंडरस्टूड? यस सर। निष्ठा ईशिता सर। आर्य इसको लिख लीजिए आप। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं तो हम वो करेंगे ठीक है, पहले इसको लिख लो आप। और भी बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे।